न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है। तो मोदी जी, अभी मैंने इस वीडियो में देखा आप ये कह रहे हैं कि कोई डिटेंशन सेंटर बने ही नहीं है, तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि ये बात सच है कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बने? तो फिर एक प्रश्न मेरा आपसे ये जरूर रहेगा कि फिर ग्वालपाड़ा आसाम या कर्नाटक या मुंबई में जो बनाए जा रहे हैं वो क्या बीजेपी हेडक्वार्टर या ऑफिस हैं? दूसरी बात मेरी ये रहेगी कि जो लोग अभी डिटेन होके गए वहाँ, जो कि हमारे एक एक्स आर्मी मैन भी थे, तो वो डिटेंशन कैंप गए थे या फिर बीजेपी के कार्यालय ही गए थे? तीसरी बात मेरी ये है कि फिर डेली उन डिटेंशन कैंप, जो आप ये बोलते हैं कि हैं ही नहीं, बट वहाँ से ये खबरें आती हैं कि डेली छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं क्योंकि उनके पास बेसिक खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। मैं ये भी समझती हूँ क्योंकि आप 12 एकड़ के घर में रहते हैं तो आप डिटेंशन सेंटर की बातों को नहीं समझ पाएंगे, बट आपको ये बात समझनी होगी कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। जब आप ये ऑन रिकॉर्ड जाके बोलते हैं कि देश में कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, तो मुझे लगता है आपको अपने फैक्ट्स चेक करके आने चाहिए कि डिटेंशन सेंटर हैं। और अगर ऐसा है, अगर आप अभी भी ना समझें और मासूम हैं कि नहीं है, तो फिर चलिए मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको लेके चलती हूँ डिटेंशन कैंप दिखाने कि वहाँ डेली क्या होता है। और मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा आपसे कि जो लोग आज की डेट में अपने आप कमा खा कर जी रहे हैं, आप उनको डिटेंशन सेंटर डाल देंगे, सरकार के ऊपर एक नया बोझ डालेंगे। आप लोगों के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, इकॉनमी इज एट इट्स वेरी लो, मतलब जो बिल्कुल निचली सीमा पे आपकी इकॉनमी है, पैसा नहीं है, जीडीपी की तो खैर मुझे बात ही नहीं करनी है कि वो कहाँ पे है और कहाँ नहीं है, वहाँ से आप कहाँ से निकालेंगे फंड्स उन लोगों के लिए? आप अपने लोगों को नहीं दे पा रहे, कॉमन जनता, नॉर्मल लोगों के पास जॉब नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, साफ हवा नहीं है, आप और 3-4 करोड़ लोगों को उन डिटेंशन कैंप में डाल के देश के ऊपर एक नया बोझ डालेंगे, वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे आप वो पैसा?